मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इसका क्या कारण है? आपके अंदर डेफिनेटली किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ 10 में से 7 या 8 लोग इस चीज से ग्रस्त हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर एक अजीब तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। आप भी इन सिम्टम्स को मैच करके देखें तो आपको पता चलेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों के कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, जिसमें जो मेन प्रश्न है वो है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसका क्या कारण है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 5 लक्षण जो बताते हैं कि आपके अंदर डेफिनेटली किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जो नेगेटिविटी आपको कंट्रोल कर रही है। ऐसी कोई चीज़ हो तो आपके कुछ सिम्टम आपको दिखाई पड़ते हैं, उस सिम्टम मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ 10 में से 7 या 8 लोग इस चीज से ग्रस्त है, उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर एक अजीब तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। आप भी इन सिम्टम्स को मैच करके देखें तो आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो अभी से लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं, यहाँ पहुंचे गए हैं, तो जरूर लाइक कर दें। ऐसे ऐसे आपको बहुत सी यूनिक जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जो सिम्टम है मैं आपको बता रहा हूँ वो कि आपका मन में नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, बुरे विचार बहुत ज्यादा आएंगे। नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, बुरे विचार, यानी निराशा वाले विचार भर जाए ना जब, तो समझिए कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हुआ है। नेगेटिविटी 2 तरह की होती है। एक, लोगों के द्वारा भेजी हुई नेगेटिविटी, मतलब जो लोगों के मानसिक रूप से, मान लो कोई आपसे जेलेसी करता है, तो जेलेसी की भी एक नेगेटिविटी है जो आपको आके प्रभावित करती है, जो आपको आके जो आपके मन को प्रभावित करती है, जिसे बोलते हैं नजर लग जाना। कोई आपसे आपके ऊपर नजर लगा रहा है तो आपका मन उस समय स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल होगा, नेगेटिव थॉट आने लगेंगे। जो चीजें आपको अभी तक सुख दे रही थी उनके बारे में बैड फीलिंग्स आने लगेंगी, यार क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगने लगेगा। तो समझिए कि कोई एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है। एक एनर्जी और तरह की नेगेटिव भी होती है, जो कोई सोल या इस टाइप की चीजें भी कहीं ना कहीं होती हैं। अब ये प्रभावित तो करती हैं आपके माइंड को सीधे या किसी भी ढंग से, कुछ ना कुछ तो आपको प्रभावित करती हैं। इसको नॉर्मली नेगेटिविटी कह देते हैं, आप इसे माने ना माने ये आप पर डिपेंड करता है, पर मैं एक एनर्जी हीलर हूं तो मैं कहीं ना कहीं जानता हूं कि हाँ ऐसा होता है। एनर्जी अफेक्ट करती है मनुष्य से डायरेक्ट आने वाली एनर्जी भी और नेगेटिव सोल टाइप की भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ तो होता है। और ये बात कहीं ना कहीं साइंस भी इसको मानती है कि कुछ तो इस टाइप की चीजें मौजूद हैं, चाहे उनको जाने या ना जाने। अब जब ये एनर्जी आपके ऊपर आती है, क्यों आती है? पहली बात तो जब आपका ऑरा बहुत वीक होता है या आपके ऑरा में होल होते हैं, ऑरा हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल है, एक चारों तरफ एक ओवल शेप में बना हुआ एक सुरक्षा का कवच जो यूनिवर्स ने, परमात्मा ने हमें हम सब के चारों तरफ बना के रखा हुआ है। ये जो ऊर्जा का एक पिंड हमारे चारों तरफ रहता है, इसमें जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो इसमें होल हो जाते हैं। इसमें होल होने की वजह से नकारात्मक ऊर्जाएं सीधी हमारे अंदर एंटर करती हैं। जो लोग बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनके ऑरा में होल है, मतलब एक बॉल जैसी, एक चारों तरफ एक 3D बॉल के बीच में हमें परमात्मा ने सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन उसमें कई कई जगह पर होल हो जाते हैं। क्यों होल हो जाते हैं? नेगेटिव सोच की वजह से, बार 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 नेगेटिव सोच की वजह से उस ओरा में होल हो जाते हैं। जैसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर एंटर करने लगती है, जब वो नेगेटिविटी एंटर करती है तो आपको कैसे पता चलता है कि नेगेटिविटी आ गई है? तो वही मैंने पहला सिम्टम जो बताया वो है कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। तो जब भी ऐसा हो उस समय कोशिश करें डिटेक्ट करने की कि भाई जब भी आपके मन में ऐसे सवाल आने लगे, नेगेटिव सोच आने लगे ना, तो अपने आपसे सवाल कीजिए कि भाई ये विचार मेरे तो नहीं लगते, मैं अभी तक तो ऐसा नहीं सोचता था कभी इसके बारे में, ना कभी मेरे मन में ऐसी बात आती थी, आज ये बात आ रही है, इसका मतलब ये विचार मेरे नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं। आपको इतना अगर थोड़ा सा भी अपने प्रति अगर आप सजग हैं, सचेत हैं, अवेकन हैं, तो आपको अपने अंदर फीलिंग आने लगी कि ये विचार मेरे नहीं है, ऐसा लगता है कि फॉरनर विचार है, बाहर से मेरे अंदर आए हैं। तो यकीन मानिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी मौजूद है। मौजूद को पता लगाना ही उसका सोल्यूशन का पहला स्टेप है। कि पता तो लगा, तो मैंने आपको पहली चीज बोली, अपने प्रति सजग रहिए, अपने विचारों के प्रति सजग रहिए और अपने इमोशंस के प्रति सजग रहिए। आपको बैठे बैठे सडनली कोई ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे, क्या यार जिंदगी बिल्कुल बेकार सी है, क्या यार बिल्कुल एकदम घटिया सा जीवन है, क्या है, तो मैंने कुछ भी नहीं पाया जीवन में। जो अभी थोड़ी देर पहले आप चीजों पर गर्व कर रहे थे, जिन बातों को लेकर आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे, कुछ समय के बाद आप उन्हीं चीजों को लेकर नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानिए कि वहां पर आपकी आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ा ही पड़ा है। ये बात सामान्य सी बात नहीं है, तो नेगेटिविटी आई है तो उसको डिटेक्ट करना ही पहली बात है। दूसरी बात, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी आएगी तो आप उस समय मेडिटेशन करने की अगर कोशिश करें या पूजा पाठ करने की कोई भी कोशिश करें तो आपका मन दिल नहीं लगेगा। अगर आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है तो आपका दिल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति आपको वहां से खींचकर दूर कर रही है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी परमात्मा के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, देवी देवताओं के सामने या मंदिर में टिक नहीं सकती। इनको ये आपको खींचेंगे, आपका दिल उचाट होने लगा कि यार दिल नहीं कर रहा, पूजा पाठ में दिल नहीं लगता। ये ऐसी अकारण नहीं हो गया, दिल नहीं लगना पीछे कारण है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? गड़बड़ है नकारात्मक ऊर्जा का अटैक हुआ है आपके ऊपर। तो इसे मानिए, समझिए कि हाँ अटैक हुआ है और हुआ है तो उसे ठीक किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। पहली बात इसे जानना, कोई ऐसे ही अकारण नहीं होता कि आपका दिल ना करे, पूजा पाठ का दिल ना करे, रोज किया करता था आज क्या हो गया, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो उसको डिटेक्ट करना। फिर मैं इसका उपाय भी बताऊंगा, अगर ऐसा किया जाए तो क्या किया जाए। एक बार इसका उपाय बताता हूं इसको ठीक कैसे करने का। वैसे अगर आप अभी सुनना चाहते हैं तो ऐसे समय में अपनी पूजा पाठ कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जबरदस्ती अपने आप को लगाकर बिठाकर बैठो और कोई पावरफुल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जैसे महामृत्युंजय मंत्र को पकड़ो
और जाप करो जोर से, या आपकी श्रद्धा कहीं और हो तो किसी और मंत्र को पकड़ो। मैं आपको 3-4 मंत्र जो बताता हूं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इसमें सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक तो यही है, महामृत्युंजय मंत्र जरूर पकड़ लो अगर आपका मन ऐसा है तो, फिर आपको ताकि पता चल जाए कि हाँ इससे बाहर कैसे आ जाता है। तो ये मंत्र मैंने आपको बोला महामृत्युंजय कैसे करना है, लगभग 3 माला 3×108 और कम से कम इसको 40 दिन तक करें, और उसमें करते हुए संकल्प डालें कि मेरा ऑरा मजबूत हो रहा है और मेरे ऑरा में अगर कोई होल थे तो वो फिल हो रहे हैं, मेरा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, ऐसा संकल्प उसमें जरूर डालें। आप पाएंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपको चेंज लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई और मंत्र पसंद है तो एक भगवान नरसिंह जी का मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम स्वाहा, उग्रम वीरम मंत्र नेट पर सर्च करोगे तो आपको लिखा मिल जाएगा। इस मंत्र की आप चैंटिंग करें, बहुत ही खूबसूरत पावरफुल मंत्र है, मंत्र का जाप 3 माला और 3 माला कम से कम 40 दिन तक करें, आपको जरूर उसका जबरदस्त इंपैक्ट नजर आएगा, 2-3 दिन में आपको चेंज शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, ओम श्री परमहंसाय नमः, मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी ने दिया मंत्र है कि महाशक्तिशाली पावरफुल मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं, ओम श्री परमहंसाय नमः। और नीचे एक गाइडेड मेडिटेशन भी मैं डाला हुआ है, ओम श्री परमहंसाय नमः से नेगेटिविटी रिमूवल के नाम से वीडियो डाला, नीचे लिंक डाला हुआ है, आप नेट पे भी इस नाम से सर्च कर सकते हैं, नीचे लिंक किसी कारण से ना मिले तो ये एक जरूर एक पावरफुल तरीका है उस नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का। अब मैं आपको और चीज भी बता रहा था कि नेगेटिविटी का नंबर 3 तरीका, अगर आपका जैसे मैंने आपको कारण बताया, इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगने लगे कि काम में प्रोग्रेस रुक गई हो, आपके वर्क में प्रोग्रेस रुक गई हो, बहुत बार बार अड़चनें आ रही हो, बार बार रुकावटें आ रही हो, बार बार रिपीटेडली, मतलब जो काम बिल्कुल आसानी से हो जाया करते थे, अगर वो आपकी काम आसानी से नहीं हो रहे तो यकीन मानिए कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, आपके ऊपर नेगेटिविटी है। तो ये सामान्य सी बात नहीं है, अगर है तो डेफिनेटली आपको उसे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। जो काम बिल्कुल सामान्य थे, जिनको आसानी से आप कर लिया करते थे, अब उसमें मन नहीं लग रहा ना टिक रहा, और मन जो है उस चीज में आप फेल हो रहे हो बार बार, तो समझिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मौजूद है और उसको कैसे दूर करना है। थोड़ी देर के लिए मंत्र चैंटिंग अवश्य करें, पावरफुल मंत्र की चैंटिंग करें, नेगेटिविटी रिमूवल के नाम से हमारा वीडियो है, उसको देखें और तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई देगा, राइट। और नंबर 4 आपको जो बता रहा हूं, कौन सी ऐसे कौन सा कारण आपको पता चले अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का प्रभाव है, तो आप पाएंगे कि आपके सपने भी बिगड़ने लगे हैं, सपनों में भी डर लगने लगा है, किसी ना किसी तरह का आपको फियर लगता है, डर सपनों में, और कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई आपको भूत प्रेत टाइप के कोई ऐसे सपने आ सकते हैं, किसी मरे हुए लोगों के चेहरे दिखना, ऐसा कुछ भी इस टाइप के सपने अगर आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है बार बार तो अवॉइड कीजिए पहली बात तो, और जो अभी मतलब इसे पता लगना ही बहुत बड़ी बात है। अब मैं आगे उपाय तो मैंने बताया ही आपको, जोर जोर से मंत्र का जाप करना, मंत्र को अपने अंतर में उतार लेना, ये उपाय है उससे बाहर आने का। नंबर 5 जो कारण है, कारण क्या है, आपके शरीर में आलस्य छाया रहेगा, आलस्य बहुत रहेगा, उबासी आएंगी बहुत ज्यादा, आलस्य रहेगा, उबासी आएंगी, खासतौर पर जब मेडिटेशन में बैठोगे तो बिल्कुल शरीर उठने का दिल ही नहीं करेगा, मतलब सामान्य लेटे हुए उठने का दिल ही नहीं करेगा, मेडिटेशन में जो है आपको बैठने का दिल नहीं करेगा और बैठोगे तो उबासी आएंगी, या कोई भी ऐसी आप धार्मिक चीज सुनोगे तो उसमें बहुत उबासी ऐसा लगेगा जैसे भाग ले यहां से। अगर आपको ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो इसका उपाय भी करना चाहिए। एक और पावरफुल उपाय मैं आपको साथ साथ बताई दूं, वो है हवन करना, एक छोटा सा हवन, इसमें आप हवन कुंड के अंदर थोड़ी सी लकड़ी वगैरह, कपूर लकड़ी घी डाल के आप महामृत्युंजय का हवन कर लें। करना क्या, बस सिंपल सी इतनी सी बात है, भगवान शिव का आराधना करते हुए और अपना लॉक रखेंगे और भगवान शिव की आराधना करते हुए ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मि बंदनात् मृत्युर्मुखक्षेमामृतात् स्वाहा, ऐसा करके आहुति डालते जाएंगे। ऐसा करके आप 1-2-3 दिन हवन भी करेंगे ना तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको आएगा, ऐसा प्लीज करें। तो मैं देखता हूं कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी के कब्जे में है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी उनके ऊपर असर करी बैठी है, लेकिन वो जानते भी नहीं और दुखी हुए जा रहे हैं, परेशान हैं। तो प्लीज लोगों को भी बताइए, औरों को भी देखिए कि आप लोग परेशान हैं, भाई अगर आप कर सकते हैं अपना इलाज तो कीजिए ना, वाई नॉट। अगर आपको रेकी आती है तो नंबर 1 चीज है, एकदम बहुत ही बढ़िया, रेकी से आप अपने औरा को जरूर हील कर सकते हैं और तुरंत आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, रेकी से हीलिंग आती है तो जरूर, नहीं तो रेकी सीख लें। इसके अलावा भी मंत्र जाप, मतलब अगर मैं उपाय की बात करूं तो पहला उपाय है मंत्र जाप, दूसरा उपाय है हवन, तीसरा है रिकी, ये 3 मोटी मोटी बातें हैं। बाकी और छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप छोटी मोटी नेगेटिविटी हटा सकते हैं, ऑरा को क्लीन करना, ऐसे करके ऑरा को क्लीन करना कर सकते हैं, ऑरा को लॉक रखना, ऑरा को लॉक रखने से भी आप बहुत हद तक नेगेटिविटी से बच सकते हैं, पर अगर अटैक हो जाए तो क्या करें ये मैंने अभी आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर प्रयास इस तरह से, आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। संजीव मलिक नेगेटिविटी रिमूवल के नाम से देखेंगे तो आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे और डिटेल में जानकारी मिलेगी, और जरूर उन्हें देखें और अपना नॉलेज बढ़ाकर आगे बढ़े। और हमारी कोई क्लास अटेंड करना चाहे तो बेस्ट है, क्योंकि हम 7 चक्रा को क्लीनिंग वाली क्लास होती है, 12 चक्रा क्लीनिंग क्लास होती है, इनको जरूर करें ताकि आपको समझ में आए कि इतना डिटेल में हम चीजें करवा सकते हैं, जिनको क्लीन किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, चैनल पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।